नमस्ते, आज हम सीखते हैं एक मिक्स वेज जो बंगाल में बहुत फेमस है। दुर्गा पूजा के टाइम पे माँ दुर्गा को भोग चढ़ता है, उस सब्जी को हम कहते हैं लैबड़ा। इसके बनाने की विधि और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, चलिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए। तो जैसे मैंने कहा, ये मिक्स वेज है, तो मेरे पास जो भी सब्जियाँ थी मैंने वो काट के यहाँ पे रखी हुई है। फूलगोभी है, बैंगन है, कच्चा केला है, आलू क्यूब्स में कटे हुए हैं, पम्पकिन क्यूब्स में कटे हुए हैं, प्लस मूली है, और मेरे पास कुछ फ्रेश मटर भी थे, मैंने वो भी ले रखा है। आप फ्रोजन भी यूज कर सकते हैं। इन सब्जियों के अलावे भी आप और भी सब्जी यूज कर सकते हैं। इस रेसिपी की जो मेन सब्जी होती है वो केले का तना है, जो मेरे यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, इसलिए आई एम नॉट यूजिंग इट। लेकिन अगर आपके मार्केट पे आपके आसपास वो अवेलेबल हो तो आप यूज कर सकते हैं। प्लस गाजर, बीन्स और भी जो भी आपकी पसंदीदा वेजिटेबल्स है वो आप इस रेसिपी में यूज कर सकते हैं। ये हो गई सब्जियों की बात। अब चलिए देखते हैं कि इस पर मसाले क्या क्या पड़ेंगे। तो जैसे कि मैंने कहा कि ये दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा को भोग चढ़ता है, तो इस पे प्याज और लहसुन यूज नहीं होता है। क्या यूज होता है इस पे? सिर्फ और सिर्फ अदरक यूज होता है। तो हम अदरक यूज करेंगे। यहाँ मैंने अदरक को कद्दूकस कर रखा है, साथ में कुछ ग्रीन चिलीज भी हैं जिसको मैंने बीच से स्लिट कर रखा है। छौंक के लिए हम यहाँ इस्तेमाल करेंगे तीन मसाले। ये है पांचफोड़न, जो बंगाली कुजीन का बहुत इम्पोर्टेंट मसाला है। पांचफोड़न इट मीन्स फाइव मिक्स ऑफ फाइव स्पाइसेस। जिसपे हम क्या क्या यूज कर सकते हैं, आइए दिखाती हूँ मैं आपको। जिसपे जीरा है, सौंफ है, राई है, मेथी है और ये कलौंजी है। तो ये पांच स्पाइसेस मिलके पांच फोड़न बनता है। इसके साथ हम लेंगे तेज पत्ता एक और दो से चार सूखी लाल मिर्च। आप अपने स्वादानुसार भी डाल सकते हैं, क्योंकि आपके घर में जितना स्पाइस आप खाते होंगे। प्लस जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज है वो है कद्दूकस किया हुआ नारियल। नारियल के बिना ये रेसिपी नहीं बन सकती है। प्लस हमें तेल चाहिए। याद रखिएगा, तेल हमें सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड ऑयल ही चाहिए, क्योंकि बंगाली रेसिपी रिफाइंड या वाइट ऑयल में नहीं बनती है। प्लस हमें थोड़ी सी घी भी चाहिए। तो चलिए अब देखते हैं इस रेसिपी की बनाने का प्रोसेस। सबसे पहले गैस ऑन करते हैं। कढ़ाई लेते हैं और सबसे पहले हम 1 टेबल स्पून ऑयल इस पे डालेंगे। हमें इन सारी सब्जियों को फ्राई करना पड़ेगा आफ्टर छौंक। सरसों तेल काफी टाइम लगता है गर्म होने में। जब तक इस पे धुआं ना उठे तब तक आप इस तेल में कोई भी सब्जी या छौंक नहीं डाल सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप व्हाइट ऑयल में गर्म ना भी हो तो भी डालते हैं, बट इट इज नॉट एडवाइजेबल इफ यू आर यूजिंग मस्टर्ड ऑयल, देन इस पे आपको गर्म होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। दो मिनट ही लगते हैं, इससे ज्यादा नहीं लगता। तो इसको गर्म होने दीजिए। अब हम इस पे डालेंगे, तेल गरम हो चुका है, अब हम इस पे डालेंगे जो हमारे फोड़न का जो सामान था, तेज पत्ता सबसे पहले। फिर हम डालेंगे सूखी लाल मिर्च। एंड देन पांच फोड़न। जब ये एक से दो मिनट हो चुका है, चलिए देखते हैं सब्जियां किस स्थिति में हैं। सब्जियां जैसे कि आप देख रहे हैं अच्छे से भुन गया है। अभी भी एक दो मिनट इसको भुनना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये जो सब्जी है इस पे सब्जियां मिक्स वेज ही है, इस पे सब्जियां बहुत अच्छी तरीके से पकी होनी चाहिए।
कोई भी सब्जी अगर कच्ची रहेगी तो इस सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन जब सब्जियाँ इस स्टेटस पे पहुँच जाए तब आप इस पे कसा हुआ नारियल डालेंगे और नारियल और सब्जियाँ साथ में ही हम भूनेंगे। अब नारियल डालने के बाद इसको 1 से 2 मिनट आपको ढक के